दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुर्ता हो या सूट हो या कमीज हो, तो दोस्तों कच पट्टी बटन पट्टी बनाना, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ही बनेगा इस तरह से, जैसे मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये पेस्टिंग है, ये जहाँ पे धागा बटन वगैरह मिलते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका चौड़ाई 1.25 इंच है, 1.25 इंच ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। 1 इंच चौड़ा भी रख सकते हैं। ये जितना भी कट है, जैसे ऊपर से 13 13.5 से कट लगता है, इतना ये चेक कर लेंगे। इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा ये आपको काट लेना है। और एक कपड़ा लेंगे आप, कपड़ा में देखिए अगर फूल हो और सामने में जो कट होता है जहाँ पे ये लगेगा वो आपस में मिलना चाहिए, अगर फूल है तो वो देख के आपको चिपकाना है। इसमें एक शेप दे देंगे, तो दोस्तों प्रेस के मदद से इसको चिपका लेना है। दोस्तों इसमें एक पॉइंट है, अगर आप इस साइड चिपकाते हैं, इस तरह फोल्ड करते हैं, देख लीजिए, तो दोस्तों ये हो जाता है जेंट्स कुर्ता के लिए, ठीक है। इसी में अगर आप इस तरह चिपकाते हैं और इस ये साइड फोल्ड करते हैं तो वो हो जाता है लेडीज कुर्ता के लिए, क्योंकि इसमें दाएं और बाएं होता है। दोस्तों इस तरह से चिपकाने के बाद देखिए, मैं आपको दिखा दूं, हमने एक बार चिपकाया, फिर एक बार साइड में फोल्ड पक्का किया था, इस तरह फोल्ड किया था, फिर एक बार फोल्ड किया, तो दोस्तों एक बार फिर फोल्ड करना है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसे कट कर देंगे। देखिए ये आपस में इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसका भी एक किनारी हमने अंदर की तरफ कर दिया है और पेस्टिंग वाला भी अंदर हो गया है। दोस्तों ये लास्ट पॉइंट नीचे का है, यहाँ से है, और इसमें 1 से 1.25 इंच का इस तरह से रखेंगे, इसको कट कर देंगे। तो दोस्तों हमने इसको इस तरह से बना लिया है। ठीक है, इसे कहते हैं कच पट्टी। और दोस्तों बटन के लिए, बटन पट्टी के लिए सिंपल कपड़ा को हम इस तरह से करेंगे, या तो इसमें भी पेस्टिंग लगा सकते हैं। दोस्तों इसका चौड़ाई इससे 2 सूत कम ही होना चाहिए। दोस्तों ये सीधा पल्ला ऊपर रहेगा कुर्ता का,
और जितना आपका कचपट्टी है ये चौड़ा आप नाप लेंगे और उतना ही सेम यहाँ पे आपको निशान लगाना है जितना ये है, उससे एक सूत कम लगाना है आपको, एक सूत कम जितना ये है। ये साइड बटन पट्टी रहेगा और ये साइड कचपट्टी रहेगा। पहले हम कचपट्टी ये बटन पट्टी लगाएंगे। अब मार्जिंग देख लीजिए कि मार्जिंग कितना है यहाँ पे, इस हिसाब से आपको दबाना होता है। और इससे भी पहले इस जगह पे कट है, इस जगह तक यहाँ तक कट है, तो आपको इस तरह से कट लगाना है दोनों साइड। जितना मार्जिन है इतना ही आपको यहाँ पे अंदर रखना है। दोस्तों ये जो आप हमने जो कट लगाया ये मार्जिन हिसाब से इस तरह से कर लेंगे और एक पल्ला को इस तरह से रखेंगे और इसके बीच में इस तरह से करेंगे और दूसरा पल्ला इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक ही सिलाई में लगाना है। एक पैर का सिलाई और लगाएंगे, दोस्तों अब हम कचपट्टी लगाएंगे। देखिए जो पेस्टिंग वाला है वो ऊपर रहेगा और नीचे वाला उसको नीचे रखना है। और ये जो पॉइंट है इससे 1.25 इंच यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। और ये जो मार्जिंग है इसके बीच में ही रखना है इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से सिलाई लगाना है एक ही सिलाई में, ऊपर भी सेम मार्जिंग रखेंगे इसके अंदर और एक सिलाई में पूरा सिलाई लगाएंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है थोड़ा सा सिलाई लगा के, फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे सिलाई। एक ही सिलाई में घुमा देना है दोनों साइड। दोस्तों देखिए ये जो बटन पट्टी था और ये जो कपड़ा है इस तरह से कर लेना है, सीधा में ही पलटेंगे इस तरह से, ठीक है। इसको हमने इस ऊपर किया, बटन पट्टी को इस तरह से ऊपर किया, फिर ये कच पट्टी को इस तरह से ऊपर किया, फिर ये जो हल्का सा ज़्यादा मार्जिन है इसको कट कर देंगे, कपड़ा ना कट जाए ध्यान से।
दोस्तों यहाँ पे हल्का सा पक्का कर लेना है। दोस्तों इस सुई को ऊपर कर लेना है और ये बटन पट्टी को इस तरह से पीछे कर देना है। अंदर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। और सुई को अब नीचे करेंगे इस तरह से और किनारी पे सिलाई लगाएंगे। दोस्तों जब इस तरह से करेंगे सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे एक सिलाई इस तरह से हो जाता है। इसको कट कर देंगे अच्छे से। दोस्तों हमने एक ही सिलाई में आपको लगाना बताया है और ये इतना फिनिशिंग है आप भी हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो बिना पेस्टिंग का भी कर सकते हैं जैसे हमने बटन पट्टी में किया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को।